नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा। तो जैसा कि आपने पूछा, सैलरी कितनी होती है सिपाही की, फर्स्ट मंथ की सैलरी कितनी होती है, ट्रेनिंग में कितनी होती है, ट्रेनिंग के बाद कितनी होती है, तो आज का टॉपिक है सैलरी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त। सिपाही की पहले कभी हुआ करती थी कि ट्रेनिंग में बेसिक कुछ मिलेगा खर्चा पानी के लिए, उसके बाद फुल सैलरी मिलेगी। अब क्या हो गया है, हमारी ट्रेनिंग से मतलब 2015 या 2014 से ऐसा हो गया कि फर्स्ट डे से आपको पहले मंथ से ही फुल सैलरी दी जाएगी, क्योंकि खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं ट्रेनिंग में। आपको खुद से ही सारा अरेंज करना होता है, खाने के पैसे और वहाँ पर आपके फल फ्रूट वर्दी या कपड़े आप नए लेते हैं, मतलब जैसे ही आप एक तरीके से नया घर आपको बसाना है तो है ट्रेनिंग सेंटर में, सब अपने खर्चे पे। तो सैलरी इसलिए आपको फर्स्ट मंथ से ही पूरी मिलती है। फिलहाल जो दिसंबर की सैलरी बच्चों की आई है, दिसंबर 2018 की, वो मैं बता देता हूँ। और अब जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक इंक्रीमेंट लगा हुआ मिलेगा डीए का, तो थोड़ी सैलरी आपको बढ़ के मिलेगी जो मैं बता रहा हूँ उससे। तो फिलहाल सैलरी कितनी मिलती है वो बता देता हूँ। आपकी जो बेसिक है वो है लगते ही 21,700 बेसिक पे है जो आपको मिलनी है। फिलहाल जो 7% चल रहा है डीए, 21,700 का 7% आपको डीए मिलेगा, जो कि 1953 रुपये है। और उसके बाद आपको खाने के पर मंथ जो खाने का अभी चल रहा है वो 1500 रुपये महीना हमें खाने के लिए मिलता है। और आपका वॉशिंग अलाउंस है 188 रुपये। आपका CCA मतलब सिटी कन्वेंस अलाउंस, वो मिल रहा है आपका 160 रुपये। और इसमें से आपका ये बैठता है आपका 25,501 रुपये महीने, और इसमें 100 रुपये किसी चीज़ के डिडक्ट हो जाते हैं तो आपके अकाउंट में आते हैं 25,401 रुपये महीने। प्लस आपको अदर बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, अगर आप थाने में पोस्टेड हो तो आपको 200 रुपये साइकिल भत्ता दिया जाता है। बेशक मोटरसाइकिल पर खर्चा हो रहा हो, कितना ही भी सारा मोटरसाइकिल से ही करनी पड़ती है अगस्त, तो उसमें 2 से 2,500-3,000 रुपये का पेट्रोल लग जाता है, तो लेकिन आपको मिलता है साइकिल भत्ता 200 रुपये। इसमें जो अभी इंक्लूड नहीं है वो ये है, अगर आप लाइन में नहीं रह रहे हैं, आप लाइन से बाहर अपना पर्सनल क्वार्टर लेकर रह रहे हैं, तो ए ग्रेड सिटी, बी ग्रेड सिटी, सी ग्रेड सिटी के अकॉर्डिंग आपको HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, जो कि 1200, 1800 और 2400 रुपये है। वो डिपेंड करेगा आपका कि आप किस सिटी में पोस्टेड हैं। प्लस अगर आप 8 किलोमीटर से ज़्यादा ड्यूटी पर जाते हैं और आप वहाँ से वहाँ पे 8 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी करते हैं, तो आपको ए ग्रेड सिटी, बी ग्रेड सिटी, सी ग्रेड सिटी, उसके अकॉर्डिंग 120 रुपये, 150 रुपये, 195 रुपये डीए मिलता है। डी एयरनेस अलाउंस मतलब आपका वहाँ पे जो खर्चा हुआ है, अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा, 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर आप रहते हैं तो आपको वो अलाउंस मिलता है, चाहे आप थाने से वो ड्यूटी जाएँ, चाहे आप लाइन से वो ड्यूटी जाएँ। 10 दिन रहते हैं, 20 दिन रहते हैं, 10 दिन 20 दिन के हिसाब से आपको आके वो भरना होता है और वो देना होता है, तो वो आपको मिलता है आपके अकाउंट में। उसके बाद आपका साल में एक बार जो अभी अनाउंस हुआ है, पहले 2250 रुपये मिलता था वर्दी भत्ता, अब वो 3,000 रुपये मिलने लगेगा। प्लस दिवाली भत्ता जो अखिलेश सरकार डबल करके चली गई थी, पहले 3500 मिलते थे, अब जब से अखिलेश गवर्नमेंट ने किया है वो 7,000 रुपये आपका मिलने लगा है। और इसके अलावा आपका जो खर्चे होते हैं, खर्चे इस तरीके से हैं कि आपको खाने के पैसे खुद ही देने होते हैं, 30 रुपये डाइट के हिसाब से लाइन में मिलता है और 25 या 26 रुपये डाइट के हिसाब से खाने में मिलता है। और ज़्यादातर मैं बता दूं, अपना इधर उधर होटल पे ही खाना होता है, क्योंकि ड्यूटी इतनी होती है। खाने में एक बार को आप फ़ोन करके कह दें कि मेरा खाना रख लेना, मैं लेट हो जाऊंगा, लाइन में तो फिक्स टाइम है सुबह और शाम का, और ड्यूटी होने की वजह से आपको ज़्यादातर लाइन में खाना हाथ नहीं पड़ पाता, ज़्यादा से ज़्यादा एक टाइम का आपका मिलेगा सुबह या शाम का, और बीच में पानी वगैरह का बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं दोस्तों, वो तो पर्सनल खर्चे हैं, उसमें मैं क्या बताऊँगा आपको। और आपका इसके अलावा हर साल में 3% का इंक्रीमेंट लगता है, जैसे ये 21,700 है आपकी बेसिक, तो इस पर 3% का इंक्रीमेंट लगेगा। और जनवरी में और जुलाई में सेंट्रल गवर्नमेंट डीए अनाउंस करती है, वो उनकी पर्सनल कंसेंट है वो कितना अनाउंस करे। तो जैसे कि 3% डीए अनाउंस हुआ तो आपका जनवरी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, तो जनवरी
में आपका नहीं मिलेगा क्योंकि आप स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है, लेकिन आपको मिलेगा जरूर। जैसे जनवरी फरवरी और मार्च से आपका मिलना शुरू हुआ या अप्रैल से आपका मिलना शुरू हुआ, तो जनवरी फरवरी मार्च का जो नहीं मिला है वो आपका एरियर बन के अलग से वो आपके अकाउंट में किसी भी दिन हिट कर जाएगा, वो आपको मिलना ही मिलना है, उसे बोलते हैं एरियर। और फिर जो डीएनएस मतलब डीए लग के स्टार्ट हो गया आपकी सैलरी में, वो बढ़ा हुआ आपका चलता ही रहेगा। प्लस जैसे कि 7th पे कमीशन लगा था तो जनवरी 2016 में लग गया था सेंटर में, तो जनवरी 2017 में हमें मिलना शुरू हुआ था। तो जनवरी 2016 से और दिसंबर 2016 तक का, ऐसा नहीं है कि स्टेट में नहीं मिलेगा, मिलता है वो, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट के बजट पे डिपेंड करता है कि वो हमको कब रिलीज करे। जैसे कि उसकी एक किस्त 2018 में आ चुकी है 17,000 कुछ रुपए की, वैसे ही अब दूसरी किस्त 2019 में एक्सपेक्टेड है अगर बजट सही सब कुछ ठीक रहा, वरना 2020 में आ जाएगी। मतलब पैसा मरता नहीं है, पैसा आता जरूर है, सिर्फ सैलरी का पैसा ऐसा है जो कि फिक्स है 1 से 5 तारीख के बीच में, अदर जो मनी है उसका कोई फिक्स नहीं है वो कब आए, लेकिन लेट हो सकता है, वो ये भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, वो आएगा जरूर। और दोस्त ज़्यादा इस चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि अगर गलत आदमी से और बद्दुआ मिल गई आपको, तो सबसे बड़ा धन जो होती है वो औलाद होती है, आपकी औलाद पे इफेक्ट पड़ेगा वो। इस पैसे से कुछ नहीं होता, अगर आपकी जो बच्चे हैं वो आज्ञाकारी स्किल्ड और अच्छे कामयाब पढ़ने वाले बच्चे निकले, या अच्छे टैलेंटेड बच्चे निकले किसी भी फील्ड में, आपकी बात सुनने वाले बच्चे निकले, तो आप सक्सेसफुल हैं लाइफ में। और आपने चाहे कितना भी पैसा उल्टा सीधा कमा के रख लिया हो, अगर आपके बच्चे को वो दिख गया कि हमारे पास तो इतना धन है, और उन्होंने अपनी मेहनत पे भरोसा करना छोड़ दिया कि हमारे पास तो इतना है, हमारे पास तो किराए का इतना आ जाता है, तो दोस्त सुकून नहीं है, गालियां पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी आपकी औलाद से। आपको पूरी दुनिया से जो इकट्ठा करके लाए हो अपनी औलाद के लिए, उसी जगह से आपको रिफ्लेक्शन दिखना शुरू हो जाएगा। तो अपने बेसिक जो सैलरी है उस पर डिपेंड रहना, अगर कहीं खर्चा हो जाता है तो वो खर्चा उसी पार्टी से ले लेना जिस पार्टी की वजह से वो खर्चा हुआ है, उससे ज़्यादा इधर उल्टा सुलटा पैसे के बारे में अगर सोच रहे हैं तो मत सोचना, सैलरी पे डिपेंड रहना, बेसिक थिंकिंग रखना। और उस थिंकिंग को डेवलप करने के लिए आपको ये पढ़ना है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये गांधी की है, बेसिक थिंकिंग आपकी डेवलप हो जाएगी, आप एक सैलरी पे कैसे खर्चे अपने मेंटेन कर सकते हैं वो आपको मिल जाएगा। और बहुत सारी बुक्स हैं जैसे कि अब्दुल कलाम आज़ाद की है विंग्स ऑफ फायर, तो वो बुक्स आप पढ़ेंगे तो उनसे आपको पता लग जाएगा सैलरी पे ही डिपेंड कैसे रहता है। और मैं यहाँ पर एक दोहा शेयर करता हूँ बिहारी का, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। इसका मतलब यह है कि पूत अगर बिगड़ा हुआ निकल गया और आपका धन आपने पूरी जिंदगी सींचा हुआ है तो वो आपके पूरा नरक मचा देगा, और आपका पूत सपूत अच्छा बेटा निकल गया तो आपके पास 0 रुपये भी है, तो आपके पास 0 रुपए है या 1 करोड़ रुपए है, आपके पैसे से उसे मतलब नहीं है, वो अपना खुद ही जुगाड़ कर लेगा, अपने साथ साथ आपका भी जुगाड़ कर देगा। तो मेन जो दौलत होती है वो होती है आपके बच्चे, आपकी परिवार, तो उसको अच्छे से, उसको अच्छी सोच पे आप फोकस रखना, क्योंकि अगर आपके दिमाग में एक बार घुस गया उल्टा सीधा पैसा कमाना, तो आप अपनी फैमिली वाले जो सेक्टर है उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे और आपका ये सारा जो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो मैंने बता दिया है इतनी सैलरी आपको मिलती है। यहाँ पर मैं सब इंस्पेक्टर की डिस्कस करना चाहूँगा। सब इंस्पेक्टर की दोस्त ट्रेनिंग में 3,500 रुपये मिलते हैं, 11 महीने की सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग होती है, और हाँ कॉन्स्टेबल की ट्रेनिंग 6 महीने की होती है, उसके बाद 6 महीने अंडर ट्रेनिंग होती है, और सब इंस्पेक्टर की 11 महीने की ट्रेनिंग होती है, 3,500 रुपये उसमें मिलते हैं। उसकी जो फैसिलिटी है अदर फैसिलिटीज गवर्नमेंट देती है आपको। उसके बाद जब आप अंडर ट्रेनिंग जाएंगे, सब इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूँ, जब आप अंडर ट्रेनिंग जाएंगे वहाँ से फर्स्ट मंथ की पूरी सैलरी बननी स्टार्ट हो जाएगी आपकी, तो 11 महीने के अंदर आपको पता लग जाएगा कि कितनी सैलरी हमारी बनती है। तो आज के लिए इतना ही, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और मेरे तरफ से सबको जय हिंद।